समाचार में अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा 2018-19 के संचालित हाई स्कूल के गणित की परीक्षा के दिन परीक्षा के दौरान स्कूल परिसर में स्थित प्रधानाचार्य के आवास पर गणित की 2 कॉपियां और गणित का सिलेबस पेपर SDM के छापामारी में मिला। SDM ने जिस कमरे में कॉपी लिखी जा रही थी उसे सील कर दिया है और कॉपी लिख रहे कॉलेज के 2 शिक्षकों को थाने भिजवा दिया, साथ ही इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी को भेज दिया है। कहे सनी कोई गाड़ी आएगी जो झील मिलाएगा, तुम आके करते हो टीवी में तो आके बैठो मेरे पास। बस यही बात आए बैठे थे ये लोग, सब लोग को लेके बैठे थे। तो अनुपम कह रहे सर कुछ बनवाइए, 9 बज गया नाश्ता, क्या हाँ ऐसा क्या मन खाएंगे आप लोग, बोली चाय बिस्किट क्या खाना चाहते, कुछ ये तो हलवा बनवाते हैं सब लोग की ड्यूटी बारी, 3 लोग आए हैं ड्यूटी लगी है बारी लोगों की। इसके बाद ये उनको पैसा निकाल के ला के दे रहे हैं जैसे है, तो अंदर से देख रहे हैं कि SDM की गाड़ी आ गई है। हमने कहा सब लोग ऐसे खड़े रहो कोई जाएगा नहीं। पता नहीं कैसे सर कब ये औरत लेडीज सब सीधे पुलिस वाले जो लेडीज थे सब हमारे कमरे में घुस गए, और ये पता नहीं कब जाके डर से अंदर जाके बैठ गए दोनों मेरे कमरे में। अब ये जाके पूरा सामान ऐसे ऐसे सारा फेंकना ओकना करना और चिल्लाने लगे सब। किसने फेंका सामान? सब पुलिस वाले, सब सामान महिला पुलिस थी, दोनों ने सामान उठा के पूरा फेंकना शुरू करा। मेरे किचन का गैस, मेरा चावल आटा दाल कनस्तर उठा के सब ऐसे फेंकने लगे। तब SDM सब पीछे पीछे गए, सर आइए चिल्लाने लगे। तो वो मुझे ऐसे ढकेल दिए, जब ढकेले तो हम ऐसे चुपचाप हम कह रहे हैं कौन चीज क्या पाई है आप, क्या पाई है। तो मेरा कोई भी सामान सर होता तो हम फाड़ देते, जो रद्दी जैसे पेपर था बच्चों का, तो ये कागज था पेपर भी कॉपी थे उसको मैंने फाड़ दिया, रद्दी यहाँ पड़ी हुई है। तो वही मेरे बिस्तर का ऐसे ही था, ये लोग उठाए हाथ से लग रहा लेकर चले गए। दीजिए देखिए क्या आप पा रही है, देखिए क्या आप पा रही है, हम तो देखे जब हम सब। उसके बाद SDM सब आए और हमको कहे कि तुम निकल जाओ, भागो यहाँ से, गाड़ी पर बैठो, इनको गाड़ी पर बैठो, इनकी गाड़ी पर बैठो। तो SDM साहब, ये पुलिस SO साहब नहीं कुछ बोल रहे थे, एक था तो एक लोग थे तो ये उठा के मेरे पीछे आगे पीछे 2 पुलिस लगा दिए, मुझे अंदर जाने नहीं दिए, सब बाहर बैठा दिए सब, मुझे अंदर किसी तरह से नहीं जाने दिए। हमको SDM साहब से बात कर ले, हमको बात कर लेने दीजिए, हम SDM साहब से बात कर ले, हमको बात कर लेने दीजिए, मैं बात करने दे रहे थे बस इसी तरह। पर बाद में जब हम गए तो SDM साहब बोले कि हमने कहा सर मेरी कोई गलती नहीं, मैंने इतना टुकड़ा भी नहीं कहीं नकल का है, मेरी कोई गलती नहीं, बस यही 2 लड़के नए नए टीचर 6 महीने नियुक्ति किए हैं, डर से कमरे में जाकर बैठ गए, बारी नहीं है, रजिस्टर दिखा दिया मैंने उनको, ये रजिस्टर ले लीजिए देख लीजिए, रजिस्टर है ये टाइम टेबल दिखा दी गई, कौन टीचर कौन सब्जेक्ट मांगते गए, जो जो कागज में दिखाती चली गई दिखाती चली गई। बस यही सर हुआ। फिर उसके बाद आए मैं बर्दाश्त नहीं और रोने लगे, बस यही बात हुई और कुछ। क्या कमरे में लगा वहाँ औचक निरीक्षण किया गया, महिला कांस्टेबल और महिला लेखपाल भी साथ में थे, क्योंकि महिला प्रधानाचार्य वहाँ स्टाफ ज़्यादा महिलाएं थी। तो वहाँ पर देखा गया कि जहाँ पर रखा जाता था सामग्री सारी चीज़ें, तो वहाँ पर 2 व्यक्ति वहीं के जो है, एक सन्नी पाठक और एक मधेशिया जी थे, अनुपम मधेशिया, उन्होंने जो है उनके हाथ में कापी और हाई स्कूल की गाइड जो गणित पेपर का था उसमें वो मिला है और वो काफ़ी लिख रहे थे सब। वहाँ पर जब महिलाएँ द्वारा चेक किया गया तो वो काफ़ी फाड़ दिए और उसके बाद जो है वो लगे बाहर निकल। कार्रवाई इसमें मैंने फर्द काम बना दिया है, DY साहब को और JD साहब को, डिप्ट जिलाधिकारी महोदय को सूचना अवगत करा दिया गया है और वो DY साहब के माध्यम से FIR दर्ज कराया जाएगा। पेश है कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार चंदन की खास रिपोर्ट।